केंद्र सरकार के कर्मचारी लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उन्हें जल्द ही इससे जुड़ी कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है कि सरकार जल्द ही फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मंजूरी दे सकती है। सरकारी कर्मचारी यूनियन लंबे समय से न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से बढ़ाकर 26,000 रुपए करने और फिटमैन फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग कर रही है। जी हाँ, आपको बता दें, यदि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमैन फैक्टर में इजाफे की घोषणा करती है तो उनके वेतन में बढ़ोतरी होगी। वर्तमान में कर्मचारियों को 2.57% के आधार पर फिटमैन फैक्टर के तहत वेतन मिल रहा है, जिसे बढ़ाकर 3.68% किया जाता है, तो कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 8,000 रुपए बढ़ेगा। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर 26,000 रुपए हो जाएगा। अभी न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपए है, जिसे बढ़ाकर 26,000 रुपए किया जाना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल से जून 2017 में 34 संशोधनों के साथ 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी। एंट्री लेवल बेसिक पे 7,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 18,000 रुपए किया गया, जबकि उच्चतम स्तर यानी सचिव को 90,000 रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया गया है। क्लास 1 के अधिकारियों के लिए शुरुआती वेतन 56,100 रुपए था। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।